शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर, 510 रूट परमिट दिए जाने का मामला। इस मामले पर बड़ी खबर, हाईकोर्ट में हुई इस मामले को लेकर सुनवाई। सरकार ने परमिट देने के प्रोसेस को गलत बताया। सरकार ने 510 रूट एग्रीमेंट रद्द करने की दी जानकारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर पहुंचा रहे, 510 रूट परमिट दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद सरकार ने परमिट देने के प्रोसेस को गलत बताया। सरकार ने 510 रूट एग्रीमेंट रद्द करने की जानकारी भी दी। 510 रूट एग्रीमेंट रद्द करने की जानकारी सरकार ने दी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, 510 रूट परमिट दिए जाने के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसके बाद सरकार ने 510 रूट एग्रीमेंट रद्द किए जाने की जानकारी दी, इसे गलत बताते हुए। ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, सरकार ट्रांसपोर्टर्स की बसें खरीदने के लिए तैयार। सोमवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, 510 रूट परमिट दिए जाने का मामला। इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद भी क्या कुछ रहा वो भी इस वक्त की बड़ी खबर में शामिल है। सरकार ने परमिट दिए जाने को लेकर प्रोसेस को गलत बताया। सरकार ने परमिट दिए जाने के प्रोसेस को गलत बताया। सरकार ने 510 रूट एग्रीमेंट रद्द करने की जानकारी दी। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 510 रूट परमिट को लेकर क्या जानकारी है राकेश आपके पास? देखिए, आप जानते हैं कि हर रोज जो है इस मामले पर कोर्ट ने माना है सुनवाई होगी जी, और इसमें जो है क्योंकि ये लगातार मामला जो है काफी सरगर्म रहा और इसको लेकर आपको मालूम है कि अब सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसमें माना गया है कि 510 बसों की जो है ये रूट रद्द कर दिए गए हैं, टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। और इसमें जो मुख्यमंत्री ने हालांकि पहले ही संकेत दिए थे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार जो है इन बसों को खरीद भी सकती है, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटरों का यही कहना है कि एक बड़ी भारी जो अनियमितता के दौरान जो है उन्होंने बसें खरीद ली हैं, उनकी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ रही है। दूसरी उनकी मांग ये है कि एक तो प्राइवेट जो बस जो बोली जाता है उन पर तो मुकदमे दर्ज कर दिए गए, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें कुछ नहीं कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई जो है सोमवार को होनी है, तो ऐसे में अब क्योंकि सरकार ने कड़ा रुख जो है सारे इस मामले को लेकर अपना लिया है और सरकार के साफ संकेत है, क्योंकि विजिलेंस ने अपनी जांच कर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी थी और ये रिपोर्ट जो है कोर्ट में भी जा चुकी है, तो ऐसे में इस सारे मामले की परतें जो है खुलनी शुरू हैं और कोर्ट लगातार रेगुलर बेसिस पर इसकी सुनवाई कर रहा है। ट्रांसपोर्टर्स इस बीच में जो कह रहे हैं उनकी बातों को किस तरह से यहाँ पर देखा जाना चाहिए? नहीं, इसमें ये सवाल नहीं है चाहिए या नहीं, क्योंकि सब ज्यूडिस मैटर है, हमें अपनी टिप्पणी करने का मुझे लगता है कि कोई अधिकार नहीं। जैसे जैसे कोर्ट की कार्रवाई आती रहेगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।